नमस्ते एवरीवन, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के एपिसोड 3 के वीडियो में आपका स्वागत है। 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। यदि आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो पहले उन वीडियो को देख लें, फिर इस वीडियो को देखें, जिससे आप समझ पाएंगे कि आपको पहले किन अभ्यासों को करना है, उसके बाद इस अभ्यास को करना है। पहले आप वीडियो 1 में जो बताया गया है एपिसोड 1 पे, वो आप देखें, उन अभ्यासों को करें, उनमें आप कंफर्टेबल फील करें, देन वीडियो 2 के अभ्यास को करें, देन फिर इस अभ्यास को कंटिन्यू करेंगे। इसमें हम सिटिंग पोस्चर में कुछ योग के आसनों का अभ्यास करेंगे, जो स्पेशली सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के पेन में आपको काफ़ी रिलीफ देगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले करेंगे अर्धउष्ट्रासन का अभ्यास। अर्धउष्ट्रासन के लिए आपको वज्रासन में बैठ जाना है। वज्रासन में बैठने के बाद आप बटक को ऊपर की ओर ले आएंगे और नी के सहारे आपको इस तरह से खड़े हो जाना है। देन फिर आपको क्या करना है, दोनों हैंड्स को, हाई हैंड के रिस्ट को आपको लंबर के पास लेके आना है। टोज पीछे की ओर हो, इसका ध्यान रखेंगे। नी के बीच, यदि आप बिगनर हैं तो नी के बीच थोड़ा गैप रख सकते हैं, हील के बीच भी थोड़ा गैप रख सकते हैं। और अगर आप बहुत ही बिगनर हैं, कमर आपका बहुत स्टिफ है, तो आप टोज को क्या करेंगे, ऊपर की ओर इस तरह से रखेंगे। ध्यान रखें कि इस तरह से रखें, और नहीं तो फिर आप, यदि एक्सपीरियंस हो जाए, थोड़ा सा बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी है, तो आप टोज को पीछे क्यों रखेंगे, नी को भी ज्वाइंट करके रखेंगे। जो आइडियल कंडीशन है उस कंडीशन में मैं करके दिखा रहा हूँ, लेकिन आप अगर नॉविस है, बिगनर हैं, तो आपको कैसे करना है वो मैंने आपको बता दिया है, उसका ध्यान रखते हुए करेंगे। दोनों हैंड को आप लंबर के पास लेके आएंगे और एल्बो को आप बहुत ज़्यादा फैला के ना रखें, जितना हो सके कोशिश करें क्लोज रखने का, एक दूसरे के क्लोज रखें। देन श्वास भरते हुए हैंड से पुश करेंगे बटक को सामने की ओर और बैक को पीछे की ओर लेके जाएंगे। विद इन लिटिल बिट होल्ड करेंगे, देन विद एक्सहेल सामान्य पोजीशन पे आ जाएंगे। विद इन बैक विद एक्सहेल नॉर्मल, थोड़ा सा होल्ड करें, मानसिक रूप से काउंटिंग करें, जहाँ जहाँ पे भी आपको खिंचाव तनाव महसूस हो रहा है उसे फील करने का प्रयास करें। एक बार मैं फिर से करके दिखा रहा हूँ, अगेन विथ इनहेल, पहले थाई को सामने की ओर लाएं बैलेंसिंग के लिए, देन फिर बैक जाएं, विथ इनहेल हार्ट को पीछे की ओर जितना आपका नेक अलाउ करें, विद एक्सहेल नॉर्मल, देन रिलैक्स। ध्यान रखेंगे जब तक आप सर्वाइकल पेन से सफ़र कर रहे हैं और जब तक आपको पेन से रिलीफ नहीं मिल जाता है, तब तक आप कोई भी काउंटर पोज ना करें, ज़रूरत नहीं है उसकी। जब आपका प्रॉब्लम बिल्कुल क्योर हो जाए, देन फिर आप विद प्रैक्टिस, हेल्दी प्रैक्टिस के लिए आप काउंटर पोज कर सकते हैं, फॉरवर्ड बेंडिंग भी कर सकते हैं, लेकिन इनिशियली आप अवॉइड करेंगे। और अगर करना चाहें, आपके लोअर बैक पे कोई किसी तरह का पेन ना हो, तो आप शशांक आसन कर सकते हैं, लेकिन नेक को आप बिल्कुल स्ट्रेट रखेंगे, नेक को आप फॉरवर्ड बैंड नहीं करेंगे, इसका ध्यान रखेंगे। आप कमर को बिल्कुल सीधा रखते हुए शशांक आसन कर लें, ताकि आपका कमर जो है रिलैक्स हो जाए, अदरवाइज आप कंटिन्यू भी कर सकते हैं। अब यदि आपकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है और आप और ज़्यादा बेनिफिट लेना चाहते हैं और कर सकें, तो ये अर्धउष्ट्रासन का अभ्यास था। आप इसमें उष्ट्रासन को भी ऐड कर सकते हैं। उष्ट्रासन करना कैसे होता है ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसी कंडीशन में जैसे आपने अर्धउष्ट्रासन किया था, वैसे ही आपको इसी आइडियल कंडीशन में आ जाना है। देन आपको क्या करना, विथ इनहेल राइट हैंड को राइट हील पे लेके आना है एंड लेफ्ट हैंड को लेफ्ट हील पे लेके आना है। श्वास भरते हुए हेड को पीछे की ओर लेके आएंगे और जितना हो सके थाई को स्ट्रेट करने का प्रयास करेंगे। नॉर्मल ब्रीदिंग चलने देंगे, कुछ सेकंड होल्ड करेंगे, देन फिर जैसे आप गए थे वैसे ही पहले लेफ्ट हैंड को सामने की ओर, देन राइट हैंड को सामने की ओर ले आए, देन रिलैक्स। नाउ अगला अभ्यास करेंगे। आप ध्यान रखें, अगर कर पाएँ तो ही करें, ना तो आप जितना कर पाएँ अर्धउष्ट्रासन से ही आप अभ्यास स्टार्ट करें विद प्रैक्टिस, देन फिर आप इसको ऐड कर सकते हैं। एक बात का और विशेष ध्यान रखेंगे कि ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस को ध्यान में रखते हुए ये अभ्यास आपको बताया जा रहा है। यदि आप इसके साथ और भी किसी प्रॉब्लम से सफ़र करते हैं, जैसे मान लीजिए आपको हर्निया का प्रॉब्लम हो, हार्ट का प्रॉब्लम हो, या फिर हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम हो, तो ऐसी समस्याओं में
उष्टासन का अभ्यास को अवॉइड करें ना करें, यदि ब्लड प्रेशर हो लेकिन कंट्रोल हो तो कर सकते हैं। यदि आप मल्टीपल डिजीज से सफ़र कर रहे हैं तो ज़्यादा बेटर होगा कि आप किसी अच्छे योग टीचर या योगा थेरेपिस्ट से मिले, उनसे कंसल्ट करें, देन फिर अभ्यास करें। अदरवाइज अगर आप सिर्फ सर्वाइकल पेन से सफ़र कर रहे हैं तो ये सारे अभ्यास को आप बिल्कुल कंफर्टेबली कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन मल्टीपल डिजीज हो तो ध्यान रखेंगे, सावधानियों के साथ आपको करना है। फिर से मैं बता रहा हूँ, हार्ट का प्रॉब्लम हो, ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम हो, हर्निया वगैरह हो, अल्सर वगैरह हो, तो उष्ट्रासन का अभ्यास को अवॉइड करेंगे। नेक्स्ट अगला अभ्यास हम लोग करेंगे सुप्त वज्रासन। ध्यान रखेंगे अगर आप नी पेन से सफर कर रहे हैं तो सुप्त वज्रासन का अभ्यास नहीं करेंगे। सुप्त वज्रासन के लिए आपको करना क्या है कि आप सबसे पहले वज्रासन में बैठेंगे। वज्रासन में बैठने के बाद एल्बो के सहारे, सबसे पहले राइट एल्बो के सहारे आप बॉडी को पीछे की ओर लाने का प्रयास करें, देन फिर लेफ्ट एल्बो के सहारे आप बॉडी को पीछे की ओर ले आएं। पीछे की ओर लाने के बाद कोशिश करें कि हेड को आप बैक कर दें। हेड को बैक करने के बाद आप हेड के सपोर्ट से बॉडी को मैट पे टिका दें और हैंड्स को आप सामने की ओर थाई पे रख लें। इस कंडीशन में, इस पोजीशन पे जितना देर कंफर्टेबल आप रह सकें रहें, सामान्य श्वास चलने दें। जब लगे कि आप कंफर्टेबल इस पोस्चर पे नहीं रह सकते तो फिर धीरे धीरे आप वापस आ जाएं। फिर से केहनी के सहारे आप पहले दाहिनी केहनी फिर बाएं केहनी का सपोर्ट लेते हुए कोशिश करें सामान्य अवस्था में आ जाएं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि अभ्यास डिफ़िकल्ट हो, तो यदि आप डिफ़िकल्टी फील करते हैं तो नहीं करेंगे। डिफ़िकल्टी फील नहीं करते हैं तो कर सकते हैं, या तो आप कम से कम हाफ कर सकते हैं। आप इतना जाएं, इतना बैक जाएं, हेड को पीछे ले आएं, देन वापस आ जाएं। इतना भी नहीं कर सकते तो हाथ को पीछे रखें और हेड को पीछे ले आएं। जो आपकी करेंट सिचुएशन है, शारीरिक अवस्था है, उसके अनुसार आप अभ्यास करें। धीरे धीरे पहले आप सिर्फ हेड को पीछे ले जाएं, फिर धीरे धीरे बैक को पीछे ले जाएं, देन फिर आप फाइनल पोस्चर को अचीव करें। अगर फाइनल पोस्चर को अचीव करने में आपको दिक्कत होती है तो, और नहीं होती है, आप कंफर्टेबल कर पा रहे हैं तो करेंगे, और नहीं कर पा रहे हैं तो जितना कर पा रहे हैं उतना करेंगे। धीरे 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 विद प्रैक्टिस आप कर पाएंगे। जैसे जैसे आपका पेन कम होने लगे, बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी आने लगे, आप अभ्यास को कर सकते हैं और फाइनल पोस्चर को अचीव कर सकते हैं। अगला अभ्यास करेंगे, दोनों पैर को सामने की ओर खोल लेंगे, वक्रासन का अभ्यास। लेफ्ट लेग को फॉल करेंगे, फिर राइट लेग से क्रॉस करते हुए डाउन कर देंगे। लेफ्ट हैंड को पीछे की ओर रखेंगे, राइट शोल्डर को नी पे लेके आएंगे और ट्विस्ट करते हुए कोशिश करेंगे कि आप नी को कैच कर लें, और अगर फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है तो आप तले को कैच कर लें, पैर के तले को कैच कर लें, और अपोजिट साइड, लेफ्ट साइड आप बॉडी को ट्विस्ट करने का प्रयास करेंगे और हेड को भी लेफ्ट साइड ट्विस्ट करेंगे विद एक्सहेल। कुछ सेकंड होल्ड करेंगे, देन विद इनहेल वापस आ जाएंगे। और यदि आप कर सकें, संभव हो तो जो हैंड्स को अपने पीछे रखा है उसे आप इस तरह से हैंड को ऐसे रखते हुए, यदि बैलेंस बन पाए तो हैंड को रिलीज करके आप पीछे से घुमाते हुए थाई को भी कैच कर सकते हैं। फिर से मैं आपको अपोजिट साइड से करके दिखा रहा हूँ। इस तरह से आप थाई को कैच कर सकते हैं अगर बैलेंस आपकी बन जाए और बॉडी सपोर्ट करे तो। अदरवाइज आप बैलेंसिंग के लिए हैंड को आप ऐसे रख सकते हैं। अगला अभ्यास करेंगे उत्तान मंडुकासन। फिर से आप वज्रासन में बैठ जाएंगे। वज्रासन में बैठने के बाद दोनों पैरों को फैला देंगे, दोनों नी के बीच जितना गैप रख सकें गैप रखने का प्रयास करेंगे। दोनों पैर पीछे से आपस में टच हो, टोज टच हो, कमर को सीधा रखेंगे, गर्दन को सीधा रखेंगे। अब आपको क्या करना है, दोनों हाथ को साइड से श्वास भरते हुए ऊपर उठाना है। राइट हैंड के पाम को लेफ्ट शोल्डर पे लेके आना और लेफ्ट हैंड के पाम को राइट शोल्डर पे लेके आना है। गर्दन को बिल्कुल सीधा रखना है और सामने की ओर देखना है। नॉर्मल ब्रीदिंग चलने देना है, सामान्य श्वास लेते रहें और जब तक इस पोस्चर पे रह सकें रहने का प्रयास करें, देन फिर धीरे धीरे रिलीज कर दें।
विद एक्सहेल डाउन आ जाएंगे, सामान्य श्वास चलने देंगे, देन फिर आप नेक्स्ट राउंड रिपीट करेंगे। अगेन देखेंगे कि आपको वज्रासन में बैठना कैसे है, हैंड को साइड से ओपन करेंगे, देन राइट हैंड को लेफ्ट शोल्डर और लेफ्ट हैंड को राइट शोल्डर, गर्दन सामने की ओर ना झुके बल्कि पीछे की ओर रखें, कमर को सीधा रखें, नॉर्मल ब्रीदिंग चलने दें जब तक आप सहज इस अवस्था में रह सके रहें, देन फिर रिलीज कर दें, रिलैक्स। अगला अभ्यास करेंगे गौमुखासन का। गौमुखासन का अभ्यास करने के लिए आप इस तरह से पैरों को सामने की ओर खोल के दंडात्मक आसन में बैठ जाएंगे। आपको क्या करना है, लेफ्ट पैर को राइट पैर के नीचे से पीछे की ओर ले आना है और राइट पैर को फॉल्ड करके लेफ्ट पैर के ऊपर ले आना है। ध्यान रखेंगे कि आपका दाहिना पैर बाएं पैर के जस्ट ऊपर हो, मतलब घुटना सेम लाइन पे हो, लेकिन हो सकता है आप इस कंडीशन को अचीव ना कर पाएं, आपको बस प्रयास करना है, ना हो पाए तो कोई बात नहीं, जितना आप कर सकते उतना करेंगे, ना हो तो जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे। अब जो पैर आपका ऊपर है उसी पैर को उसी हाथ को आप सामने से ऊपर की ओर लेके आएंगे और अपोजिट हैंड को नीचे से पीछे की ओर लेके जाएंगे। दोनों हैंड को प्रयास करेंगे आपस में इंटरलॉक कर दें और एल्बो को एक दूसरे के सीधे लाने का प्रयास करें, जितना कर पाएं, कमर सीधा हो, गर्दन सीधा हो, हेड सामने की ओर झुके ना, इसका ध्यान रखें, हेड को बल्कि पीछे ही रखें, सामान्य श्वास चलने दें, जितना हो सके कंफर्टेबल आप फील करें, इस पोस्चर पे रहने का प्रयास करें जितना देर आप कंफर्टेबली रह पाएं। जब लगे कि नहीं रह पाएंगे देन फिर पहले हैंड को रिलीज करेंगे, देन फिर आप लेग को रिलीज करेंगे। नी के बीच गैप कम से कम हो और नी सेम लाइन पे हो, इसका ध्यान रखते हुए आपको अभ्यास को करना है। अब हम अपोजिट साइड से करेंगे इसी अभ्यास को, मैं पीछे से आपको करके दिखा रहा हूँ ताकि आप समझ पाए हैंड को आपको कैसे रखना है। आप क्या करेंगे कि लेफ्ट पैर को पिछली बार आपने नीचे रखा था, अब आप राइट पैर को नीचे की ओर रखेंगे और लेफ्ट पैर आपका ऊपर की ओर होगा। जब लेफ्ट पैर आपका ऊपर होगा तो ध्यान रखेंगे लेफ्ट हैंड को आप सांस भरते हुए पीछे की ओर लेके आएंगे और राइट हैंड आपका नीचे से पीछे की ओर जाएगा, कमर बिल्कुल सीधा होगा, गर्दन बिल्कुल सीधा होगा, उसका ध्यान रखेंगे। फ्लेक्सिबिलिटी कम हो सकता है आपका हैंड यहीं तक आए, इससे ऊपर ना जाए, और फ्लेक्सिबिलिटी अगर अच्छी है तो आप लाने का प्रयास करें और लॉक करने का प्रयास करें, इस तरह से लॉक करने का प्रयास करें। एक बात का और आप विशेष ध्यान रखेंगे, सपोज दैट आपका हैंड यहीं तक आ रहा है, इसे ऊपर नहीं आ रहा, तो आप किसी ऑब्जेक्ट का सहारा ले सकते हैं, जैसे रुमाल का आप सहारा ले सकते हैं, रुमाल को पकड़ लें, उसे आप इस तरह से खींचने का प्रयास करें और खींच, अगर आपका हैंड ऐसे टच हो जाता है तो धीरे धीरे आप ऊपर की ओर स्लाइड करके इस तरह से लॉक करने का प्रयास करेंगे, दोनों हैंड के फिंगर्स को आपस में लॉक करने का प्रयास करेंगे और केहनी को आप ऐसे तिरछा नहीं रखेंगे, जितना हो सके सीधा करने का प्रयास करें, ऊपर वाला हाथ सिर के जितना उसके सेंटर पे लाने का प्रयास और नीचे वाले हाथ को भी उसके नीचे लाने का प्रयास, जितना आप कर पाए, बहुत ज़्यादा जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे। आँखों को बंद कर लें, ध्यान सामान्य श्वास पर रखें, जितना देर आप होल्ड कर पाएं, एक मिनट, दो मिनट, पाँच मिनट, जितना ज़्यादा देर आप होल्ड कर पाएंगे उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। विशेष ध्यान रखेंगे सर सामने ना झुके, जब लगे कि आप होल्ड नहीं कर सकते हैं, धीरे धीरे अभ्यास के साथ आप देखेंगे कि होल्डिंग कैपेसिटी आपकी बढ़ने लगेगी, जब लगे कि ना होल्ड कर पाएं तो धीरे धीरे आप हैंड को रिलीज कर दें। पूरी सजगता आप अभ्यास के दौरान कंधों पर उत्पन्न हो रहे खिंचाव पे रखने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट एपिसोड पे हम बात करेंगे कि लेट के कुछ अभ्यास को कैसे करना है पेट के सहारे और पीठ के सहारे, जो सर्वाइकल पेन से आपको रिलीफ देगा, सर्वाइकल की समस्या से आप जिससे निजात पा सकते हैं, उन अभ्यासों को हम करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए हरिओम।